मेलिन डर के मारे वहां से भागने लगती है। वो किसी तरह जल्दी से भागकर अपने घर पहुंचना चाहती थी और वो भागते भागते अपने घर पहुंचती है। उसकी मॉम भी उसके पीछे भागते हुए जल्दी से घर आती है। वो भागकर मेलिन के कमरे में पहुंचती है। मेलिन वहीं छुपकर रो रही होती है और अपनी मॉम से कहती है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसके डैड भी वहाँ आ चुके थे और कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी ये हो गया। ये सुनकर वो उनसे पूछती है कि मेरे साथ भी का क्या मतलब, और भी किसी को पहले ये हुआ है क्या। उसकी मॉम उसे लेकर उस टेम्पल में जाती है और उसे अपने पूर्वज सानिया की कहानी बताती है। वो कहते हैं कि सानिया का रेड पांडा के साथ रहस्यमयी रिश्ता रहा था। वो उन्हें इतना पसंद करते थे कि उन्होंने खुद एक पांडा बनने की मन्नत मांगी थी। जंग का वक्त था, सारे मर्द सरहद पर लड़ाई कर रहे थे, उन पर उनकी बेटियों और खुद को बचाने की जिम्मेदारी थी। फिर एक रात रक्त पूर्णिमा के दिन उनकी मन्नत पूरी हो गई। उन्हें वरदान मिला कि वो अपने अंतर्मन की शक्ति से किसी भी शक्तिशाली जानवर में बदल सकते थे। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा